गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. आई एम डॉक्टर नीता मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, प्रयागराज. फ्रेंड्स, हम लोगों ने इससे पहले जो हमारा पेपर्स है, इंटरेक्शन एंड टीचिंग स्ट्रेटजी ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिस पेपर का जो सेकेंड यूनिट था व्यक्तिगत वाक भाषा चिकित्सा, इसमें हम लोगों ने ये देखा कि भाषा विकार या वाणी विकार क्या होते हैं, इन विकारों के कारण हियरिंग इम्पेयर बच्चे में क्या समस्याएं होती हैं और कैसे हम स्पीच थेरेपी, लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और कम्युनिटी और अभिभावकों से मिलके इनके लिए गोल क्रिएट कर सकते हैं और इन्हें मेन स्ट्रीम में जोड़ने में सहायता दे सकते हैं. हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो है स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, वाणी भाषा चिकित्सा. हम इन बच्चों को किस प्रकार से स्पीच लैंग्वेज थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, इस पे हमारा विशेष फोकस होगा. तो फर्स्टली हम जानें कि स्पीच लैंग्वेज थेरेपी होती क्या है. भाषा एवं वाणी चिकित्सा द्वारा उम्र व विकासात्मक स्तर के आधार पर जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, चाहे वह गंभीरता के रूप में विकासात्मक देरी के या परिवार की अभिरुचि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एवं बच्चे तथा परिवार के द्वारा व्यवहार की जाने वाली भाषा पर आधारित होता है. व्यक्तिगत भाषा वाणी चिकित्सा उपागम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को क्रमवार सुधारने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकी का प्रयोग किया जाता है. इसके द्वारा अभिभावक तथा परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बनाए जाते हैं और चिकित्सा रणनीति का क्रियान्वयन करके चिकित्सकों द्वारा समय समय पर इसका ध्यान रखा जाता है, जिसके अंतर्गत पहला जो स्टेप है उसमें हमें करना क्या होता है, बच्चे की आयु क्या, उसकी एज है और उसका विकासात्मक स्तर क्या है, संप्रेषण विकार की गंभीरता एवं कितने टाइप्स, किस टाइप का है, मेडिकल से संबंधित क्या समस्या है, बच्चों की किन चीज़ों में रुचि है और किन चीज़ों में उनकी खूबियां है, उसको जाना जाता है. तथा बच्चों के द्वारा ली जाने वाली चिकित्सा एवं संसाधन इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है. श्रवण बाधित बच्चों में जो प्रमुख रूप से संप्रेषण विकार पाए जाते हैं वो है उच्चारण संबंधी, फ्लुएंसी संबंधी और तो उच्चारण संबंधी मींस प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड. जो प्रोनाउंसिएशन है वाणी ध्वनियों के उच्चारण के लिए आवश्यक गामक क्रियाएं जो ध्वनियों के उच्चारण में सहायता करती है, जो आर्टिकुलेटरी ऑर्गन है जो कि साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, उसका उन बच्चों में अभाव होता है. वो अभाव किसी कारण से हो सकता है, या तो वो ऑर्गन कमजोर हो, वो मांसपेशियां या वो आर्टिकुलेटरी पार्ट्स जो है कमजोर हो, या किसी विषमता के कारण उसमें किसी प्रकार के डिसऑर्डर क्रिएट हो गए हो, या वो हेरिडिटरी भी हो सकते हैं. तो उनका जो है पता लगाना और उनको चिकित्सा के अंतर्गत उसमें सुधार किया जाता है. दूसरा फ्लुएंसी, धारा प्रभाव. श्रवण बाधित बच्चों द्वारा जो वाणी का उत्पादन किया जाता है करते समय क्या होता है कि उन बच्चों में हेजिटेशन होता है, संकोच होता है और वो पुनरावृत्ति करना आदि गलतियां वो करते हैं. वाणी की धारा प्रवाह बिना किसी प्रयास और अतिरंजित चेहरे के हाव भाव के द्वारा किया जाता है. श्रवण बाधित बच्चों में धारा प्रवाह सिखाते समय चिकित्सक द्वारा सामान्य धारा प्रवाह की जानकारी दी जाती है. भाषा की समझ या उसे अधिग्रहण करने के लिए क्या करना होता है, तो उसके लिए बच्चे के अंदर वाणी की समझ, वाणी की पहचान, शब्द की पहचान, शब्द विन्यास, व्याकरणीय जानकारी, शब्द का विभिन्न स्थानों पर प्रयोग करने की जानकारी, श्रवण बाधित बच्चों में इन चीज़ों का अभाव होता है. चिकित्सा के अंतर्गत इन बच्चों में इन विभिन्न माध्यमों से भाषा की समझ एवं प्रशिक्षण दिया जाता है. भाषा उत्पादन क्या होता है, जैसे वार्तालाप करते समय विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है. शब्दांश, शब्द तथा वाक्यों का प्रयोग करने की क्षमता में भाषा उत्पादन की क्षमता निहित होती है.
सुनने की समस्या के कारण श्रवणबाधित बच्चों में मौखिक तथा लिखित रूप से अभिव्यक्त करने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये बच्चे सुन नहीं पाते, जिससे इनमें भाषा का विकास कम होता है और शब्दों का भंडारण कम होने के कारण इनके लिखने की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। व्यक्तिगत वाणी और भाषा चिकित्सा के द्वारा बच्चों को इसकी जानकारी दी जाती है। पहले हम लोग आ जाए फोनोलॉजी या ध्वनि विज्ञान क्या है। भाषा का वह भाग जहाँ स्वर एवं व्यंजन संयुक्त अक्षर तथा अर्थ स्वर के ध्वनिक विशेषताएं तथा उच्चारण करने की विधि ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आती है। इस मॉर्फोलॉजी रूप विज्ञान क्या है। रूप विज्ञान या मॉर्फोलॉजी जो है यह भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है। इसमें ध्वनियों को जोड़कर शब्दों का निर्माण किया जाता है। श्रवणबाधित बच्चों में शब्द निर्माण करने की अयोग्यता देखने को मिलती है। वर्तनी संबंधी समस्या, ध्वनियों को विभिन्न स्थान पर रखकर शब्द निर्माण करने जैसी समस्या इनमें पाई जाती है। व्याकरणी विज्ञान यानी सिंटेक्स क्या होता है। ये जो है शब्दों को जोड़कर व्यवस्थित ढंग से रखकर वाक्यों की रचना करना ही सिंटेक्स कहलाता है। श्रवणबाधित बच्चों में भाषा के अभाव के कारण उनके अंदर व्याकरण त्रुटियां पाई जाती है। सिमेटिक यानी अर्थ विज्ञान, इसे शब्द के अर्थ, वाक्यांश में इसके प्रयोग तथा विभिन्न परिस्थितियों में वाक्यों में इनके प्रयोग को बताया जाता है। उदाहरण के लिए बॉल, जैसे गोलाकार या फेंकने योग्य वस्तु को बॉल फुटबॉल के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक स्थान पे इसका अर्थ अलग अलग होता है, इससे बच्चे को आइडेंटिफाई कराया जाता है। व्यवहार विज्ञान या प्रैग्मैटिक्स, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का उपयोग को व्यवहार विज्ञान कहा जाता है। इसके अंतर्गत अंतर्निहित एवं व्याख्यान कौशल शामिल होते हैं। शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण तथा सामाजिक वार्तालाप करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। साउंड क्या होता है, वॉइसिंग क्या होती है, इस पर हम लोग फोकस करें। इसके अंतर्गत पिच इंटेंसिटी से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। सामान्यतः वाक्य का उत्पादन बिना किसी प्रयास या सुचारू रूप से आवाज को उच्चारित करने के लिए किया जाता है। श्रवणबाधित बच्चों में सबसे इससे संबंधित समस्या देखने को प्राप्त होती है। उपयुक्त क्षेत्रों में श्रवणबाधित बच्चों में विभिन्न प्रकार के विकार पाए जाते हैं, जिनकी सुधार भाषा एवं वाणी चिकित्सा के द्वारा ही किया जा सकता है। वाणी भाषा एवं चिकित्सा चिकित्सकों द्वारा जिन कौशलों को विकसित किया जाता है वो इस प्रकार है, इसे देख लीजिए आप लोग। मुंह, जबड़ा और गले की मांसपेशियों को मजबूत बनाना, स्पष्ट वाणी ध्वनियों का उच्चारण कराना, चेहरे के हाव भाव से भावनाओं को निदान करना, शारीरिक भाषाओं की समझ देना, प्रश्न का उत्तर देना, चित्र के साथ उसके अर्थ का मिलान कराना, स्वर के साथ आवाज उत्पादन करने की क्षमता को विकसित करना, विभिन्न तकनीकी का प्रयोग करके सटीक उच्चारण करने की क्षमताओं को विकसित करना। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें भाषा एवं वाणी विकार के मूल्यांकन, निदान एवं उपचार आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। वाक्य एवं भाषा विकार होने से बच्चों में सामाजिक और शैक्षणिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। श्रवणबाधित बच्चे में जो भाषा और वाणी से संबंधित समस्याएं पाई जाती है वो मुख्यतः वाक्यों का अपचय, हकलाना, उच्चारण संबंधी समस्या होना, डिसरेथिया, डिसफेजिया, ये सभी समस्याएं मुख्यतः निम्न कारण से होती है, जैसे ओठों का या लिप्स का कटा होना, श्रवण ह्रास हियरिंग लॉस का होना, स्नायु संबंधी विकार का होना, मस्तिष्क में किसी कारण से चोट लग जाने के कारण,
अधिक मेडिसिन का प्रयोग किए जाने से, वाणी का अत्यधिक प्रयोग या अनुप्रयोग किए जाने से भी ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वाणी भाषा चिकित्सा विकार को सुधारने की विभिन्न विधियां हैं। ये विधियां हैं ध्वनि विज्ञान एवं स्वर निर्माण, ध्वनि जोड़ तोड़ एवं गुंज, धारा प्रवाह प्रशिक्षण, उतार चढ़ाव का प्रशिक्षण, मीन्स फ्लुएंसी, कब साउंड को अप करना है कब बिलो करना है इसका प्रशिक्षण देना, आवाज साउंड का प्रशिक्षण मीन्स उनकी ट्रेनिंग देना, विभिन्न प्रकार की साउंड उन साउंडों को अंडरस्टैंडिंग करने की क्षमता को विकसित करना, श्वसन प्रशिक्षण देना, रूप विज्ञान प्रशिक्षण देना, व्याकरणीय प्रशिक्षण देना, अर्थ विज्ञान का प्रशिक्षण देना, व्यवहार विज्ञान का प्रशिक्षण एवं वैकल्पिक संप्रेषण प्रणाली का प्रशिक्षण इसके बाड़ी विकास चिकित्सा के अंतर्गत दिया जाता है। स्पीच थेरेपी के माध्यम से हम श्रवण बाधित बच्चों के वाणी और भाषा विकार की समस्याओं को दूर करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो इसके विभिन्न प्रकार के तरीके हैं। इसमें जो पहला है वो है लैंग्वेज इंटरवेंशन एक्टिविटीज। लैंग्वेज इंटरवेंशन एक्टिविटीज यानी भाषा के में हस्तक्षेप करने की गतिविधि। इसके अंतर्गत बच्चों के जो कौशल को विकसित किया जाता है, जैसे मॉडलिंग और बच्चे को प्रतिक्रिया देना इत्यादि इसके अंतर्गत कराया जाता है। चिकित्सक फोटो और बुक या खेल आधारित थेरेपी के माध्यम से इस प्रशिक्षण या ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। कौशल बढ़ाने के लिए वो भाषा का अभ्यास भी करवा लेते हैं। दूसरा हमारा है आर्टिकुलेशन थेरेपी या अभिव्यक्ति चिकित्सा। आर्टिकुलेशन थेरेपी के अंतर्गत स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बच्चों को जिन ध्वनियों में परेशानी होती है उनके मॉडल तैयार करते हैं। इसमें जब किसी आवाज को निकालना हो तो जीभ कैसे हिलती है यह करके दिखाना और विभिन्न प्रकार के तरीके शामिल करते हैं, जैसे कि किसी वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में सेम लिप्स का होना, उसको किस प्रकार से आइडेंटिफाई कराया जाए उसके तरीकों का वो यूटिलाइजेशन करते हैं। तीसरा आपका है फीडिंग एंड स्वालोइंग थेरेपी यानी खाना और निगलने की चिकित्सा। कुछ बच्चों में खाना खाना या निगलने की भी समस्याएं उत्पन्न होती है, तो उसको स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बच्चों के मुंह की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज कराते हैं। वे खाना और निगलने के दौरान सजगता को बढ़ाने के लिए भोजन की अलग अलग बनावट का उपयोग करते हैं, मीन्स भोजन किस प्रकार के भोजन को उनको दिया जाए जिससे कि वो उसे आसानी से ग्रहण करें और धीरे धीरे अपनी जो कैपेसिटी है उसको डेवलप कर सके। स्पीच थेरेपी से बच्चे अधिक साफ साफ बोलना सीख जाते हैं। जो इंडिविजुअल या व्यक्तिगत वाक भाषा चिकित्सा है इसके क्या इम्पोर्टेंस है, इससे क्या बेनिफिट होता है, वो है मौखिक गामक कौशल को इससे बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों के जैसे उच्चारण अंग हैं, जैसे उनके ओठ, जीभ, तालू या गला की मांसपेशियां कमजोर होने से जो उनके वाणी उत्पादन में कठिनाई उत्पन्न होती है, चिकित्सा के द्वारा इन समस्याओं को दूर किया जाता है। दूसरा, शाब्दिक संप्रेषण करने की क्षमता में वृद्धि की जाती है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, विभिन्न प्रकार के मॉडल्स को डेवलप किया जाता है जिससे वो अधिक से अधिक शाब्दिक वर्ड का प्रयोग कर सके। भाषा अर्जन करने की क्षमता का उनमें विकास किया जाता है, साक्षरता कौशल में विकास किया जाता है, सामाजिक कौशल का भी विकास किया जाता है तथा वैकल्पिक संप्रेषण विधि उपयोग करने के कौशल का विकास किया जाता है। ये तो बेनिफिट है कि अगर हम इंडिविजुअल, क्योंकि हर बच्चे में अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटीज कॉजिंग होती है, वो डिग्री के लेवल पे भी हो सकता है, टाइप्स के आधार पे भी हो सकता है, तो उनके लिए इंडिविजुअल थेरेपी देना मस्ट हो जाता है। अगर समूह में वो थेरेपी दी जाए तो उससे परेशानी ये होती है कि हर बच्चे का जो डिसेबिलिटीज एरिया है वो अलग अलग होता है, तो अगर हम इंडिविजुअल थेरेपी दें साथ में अभिभावक, पेरेंट्स और
जो थेरेपिस्ट हैं और जो हमारे स्पेशल एजुकेटर हैं, इन लोगों का सहयोग करे लिया जाए, तो इसको हम बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा उनके कम्युनिकेशन लेवल को बढ़ा सकते हैं, उनके शब्दों के भंडारण की क्षमता को विकसित किया जा सकता है। लेकिन इसकी कुछ हानियाँ भी हैं। हानियाँ क्या हैं? सबसे बड़ी हानि होती है वो देरी से पहचान होना। अगर अर्ली इंटरवेंशन हो तो इन बच्चों में भाषा विकास को अच्छे ढंग से कराया जा सकता है, लेकिन देरी से पहचान होने पे ये चिकित्सा ये उपयोगी नहीं हो पाती। शुरुआती उम्र में प्रशिक्षण में शामिल होने पर सामाजिक अंतःक्रिया बाधित होता है। भारत में इस प्रकार की चिकित्सा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, ना तो हमारे यहाँ इतने स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं जो कि इन बच्चों को इस प्रकार के इस ट्रीटमेंट को प्रोवाइड कर सके। अध्यापकों में भी जागरूकता अवेयरनेस नहीं है, जिसके कारण वो व्यवसायिकों की संख्या में अभ्यागतों को जागरूकता न होने के कारण तथा प्रोफेशनल की कमी के कारण क्या होता है कि इन बच्चों में जो अर्ली इंटरवेंशन होना है और जो उन्हें फैसिलिटी अवेलेबल करना है, जो उन्हें तकनीकी का प्रयोग करना है, उस चीज़ों की कमियां होती हैं। व्यक्तिगत वाणी चिकित्सा के माध्यम से असफल रहने से बच्चे में निराशा तथा समायोजन की समस्याओं को देखने में मिलता है। ये बच्चे कुछ ही समय विद्यालयों में जाते हैं, फिर अपने को वहाँ पे एडजस्ट न करने पे ये अपने को ड्रॉप आउट भी कर लेते हैं। भाषा समस्या होने पे बच्चे शैक्षणिक रूप से अपने को समायोजित नहीं कर पाते। जो व्यक्तिगत भाषा वाणी चिकित्सा है उसमें जो प्रोफेशनल है और अभिभावक है उनको किन बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, तो शुरुआती उम्र में वाक्य भाषा समस्या का पता लगाने की जरूरत है, क्योंकि शीघ्र उपचार तभी संभव है जब उनका जल्द से जल्द आइडेंटिफिकेशन हो सके। व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण का संचालन का निर्माण करना चाहिए। बच्चों के द्वारा जब किसी प्रश्न का उत्तर एक शब्दों में दिया जाए तो उन्हें सटीक उच्चारण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। खुला प्रश्न देकर उन्हें जो है वैकल्पिक, वस्तुनिष्ठ और विकल्प चुनने के ऑप्शन देना जरूरी है। घर में अभिभावक बच्चे से हमेशा वार्तालाप करें, उनसे कम्युनिकेशन स्थापित करें तथा उन्हें घर परिवार या समाज में जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसमें उन बच्चों को इन्वॉल्व करें। साथ में किसी भी घर की समस्या या घर की किसी बात के डिस्कशन में इन बच्चों को भी समावेशित किया जाए और इन बच्चों को अपनी बातों को प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्हें आप प्रोत्साहित करो कि वो अपने विचार, अपने व्यूज दे, और अगर वो अपने कोई विचार देते हैं तो उन्हें आपको अप्रिसिएट करना होगा। घर में किसी भी क्रियाकलाप करते समय बच्चे को उसमें शामिल करें, उन्हें इग्नोर ना करें, तो इन बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल विकसित होगा। अब इन बच्चों को क्लासरूम में किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाए, कक्षा प्रबंधन कैसे किया जाए, तो इसके लिए आवश्यक है कि श्रवण बाधित बच्चे को कक्षा के सामने वाली पंक्ति में बैठाया जाए जिससे शिक्षक द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो अप कर सके। वार्तालाप प्रारंभ करने से पूर्व बच्चे से उनकी रुचि, उनके रुझान के बारे में बातें करते हुए कंटेंट पे जाना चाहिए। साथ ही साथ भाषा एवं वाणी संबंधी समस्याओं को दृष्टिगत यह महत्वपूर्ण होता है कि कितना हम भाषा को सरलीकरण कर सके। भाषा का जितना सरलीकरण होगा बच्चा उसे उतनी ही इजी वे में अडॉप्ट कर पाएगा। धीमी गति से वार्तालाप करें। बच्चे श्रवण क्रिया के द्वारा सूचनाओं का प्रक्रियाकरण किया जा सकता है। इतना धीमा न बोले जिससे कि बच्चा बाधित हो सके। कोई भी शब्द उसे धीरे धीरे बोला जाए जिससे बच्चे आपके हाव भाव, चेहरे के एक्सप्रेशंस, लिप रीडिंग के माध्यम से उन चीजों को सीखने का प्रयास करें। वाक्य की संरचना को विद्यार्थियों के स्तर के अनुरूप ही सरलीकरण करना आवश्यक है। जब बच्चों को अपनी बातों को समझने में समस्या हो तो उसका पुनरावृत्ति किया जाना आवश्यक है। सरल और स्पष्ट अनुदेशन दिया जाना चाहिए।
शरीर की भाव भंगिमा और चेहरे के हाव भाव इसका एक्सप्रेशन का प्रयोग किया जाना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों को ध्यान से भटकाने वाली चीजों को हटा देना चाहिए, उसे रिमूव कर देना चाहिए और जो शोरगुल का वातावरण है उसको कंट्रोल में किया जाना आवश्यक है। मूर्त और अमूर्त संप्रत्यय के द्वारा शब्दकोश को विकसित करना चाहिए। जितना हो सके पॉसिबल उतनी चीजों को बच्चों के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करना चाहिए, चाहे वो मॉडल हो, पिक्चर्स हो या रियल ऑब्जेक्ट हो, वो बच्चों को वहाँ पे दिखाना चाहिए। और शब्द कार्ड और वर्ड कार्ड्स और पिक्चर कार्ड्स, इन लोग चीजों का मिलान कराना चाहिए जिससे बच्चे के वाक्य भाषा विकास को ज्यादा से ज्यादा विकसित किया जा सके। बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है वास्तविक जीवन में प्रयोग होने वाले चीज़ों का चयन कराना चाहिए, उनको जानकारी देना चाहिए और उन चीज़ों का बार बार उच्चारण करके उन चीज़ों के शब्दांशों को बढ़ाने में सहायता करना चाहिए। व्याकरणीय विशेषताएं जैसे कारक, विश्लेषण आदि को विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से अभ्यास कराना चाहिए। भाषा अधिगम के लिए भूमिका निर्वाहन जैसी विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, यथासंभव प्राकृतिक वातावरण में ही भाषा शिक्षण करवाना चाहिए। बच्चों को विभिन्न मुद्दों को समझने तथा उनकी आवश्यकता के अनुसार वाणी एवं भाषा शिक्षण का संचालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अभिभावकों के साथ बच्चों की विशिष्ट समस्याओं को साझा करना चाहिए तथा सहभागिता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो इस चैप्टर में आपने देखा कि किस प्रकार से हम किसी भी श्रवण बाधित बच्चों के वाणी और भाषा विकास के लिए एक स्ट्रेटजी गोल को विकसित कर सकते हैं और उसके लिए विभिन्न कम्युनिटी के लोगों का सहयोग आवश्यक है। उसमें अभिभावक हुए, उनके परिवार के अन्य जन हुए, स्पेशल टीचर, एजुकेटर, जितने भी प्रोफेशनल हैं उनको यूटिलाइज किया जाना चाहिए। अभी हमारे समाज में अवेयरनेस की कमी है, पेरेंट्स डिसाइड नहीं कर पाता कि हम बच्चे को कहाँ ले जाएं जहाँ इनके भाषा या स्पीच को विकसित किया जा सकता है। तो उन चीज़ों को अब विकसित करना, अवेयरनेस को बढ़ाना आवश्यक है। साथ ही साथ पेरेंट्स को खुल के समाज में आना होगा, खुल कर उन्हें अपने बच्चे को समाज में लाना होगा, मेन स्ट्रीम में उन्हें जोड़ना होगा और उन्हें प्रोत्साहित करना होगा। उनसे इशारों में बात न करके शब्दों का उच्चारण करना, उनके भाव भंगिमाओं का प्रयोग करना और उनके द्वारा कही गई बातों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उन बच्चों के घर के किसी भी समस्या या किसी भी फंक्शन या प्रोग्राम्स में उन बच्चों के भी व्यूज़ को इंक्लूड करना होगा। उनके द्वारा बनाए गए किसी आर्ट्स, किसी कल्चर्स या किसी प्रकार की कोई रूपरेखा तैयार की गई हो तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उन बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे जैसे इन बच्चों में प्रोत्साहन होगा, इनमें आत्मविश्वास की विकसित होगा तो धीरे धीरे इनके भाषा विकास भी विकसित होगा। लेकिन सबसे जो मस्ट है वो अर्ली इंटरवेंशन है। अगर हम जल्द से जल्द इनका अर्ली इंटरवेंशन कर ले, इनका हस्तक्षेप किया जा सके तो इनको हम ज्यादा से ज्यादा बेटर सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। तो हमारा जो अर्ली इंटरवेंशन का आपका जो ये पेपर्स है, इसका ये सेकेंड यूनिट खत्म हो गया। अब हम जो अगला लेक्चर होगा वो थर्ड यूनिट पे होगा, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक्स।